उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूर्वी दिल्ली के पड़पड़गंज विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं। पुष्कर सिंह धामी पुलिस जीप में सवार होकर रोड शो कर रहे हैं। इस दौरान उनके साथ पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर और पड़पड़गंज वार्ड के सभी भाजपा प्रत्याशी मौजूद है। पुष्कर सिंह धामी का रोड शो शुरुआत पड़पड़गंज के बद्रीनाथ मंदिर से हुई, जिसका समापन मंडावली इलाके के श्री राम चौक पर होगा। इस मौके पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दिल्ली नगर निगम ने अच्छा काम किया है। दिल्ली नगर निगम अस्पताल, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो गई है, स्कूल अच्छे बनाए गए हैं, बच्चों को स्कूलों में मिड डे मील दिया जा रहा है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को मकान बनाकर दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार जगह जगह ठेके खोलकर शराब पहुंचा रही है, बच्चों को बिगाड़ने का काम कर रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। जेल में बंद सबसे बड़े ठग सुकेश को भी आम आदमी पार्टी ने ठगने का काम किया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली ठगने का काम कर रही है। ऐसे में अब दिल्ली की जनता ने समझ लिया है, अब वह इनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार फैला है, जिस प्रकार से यहाँ पर बेकारी फैली है, वो सारा दिख रहा है। दूसरी तरफ लगातार उसने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो आज अस्पतालों के रूप में हो, चाहे निःशुल्क जो है भोजन के रूप में, मिड डे मील के रूप में हो, या मैं कहूँ जो है PWS के जो मकान बनाने हैं, वो 3024 जो फ्लैट बनाकर दी थी है, तो हर क्षेत्र में चाहे जल जीवन मिशन हो, आज मोदी जी के नेतृत्व में घर घर तक जल पहुंचाने का काम नल से हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जगह जगह ठेकों के माध्यम से दिल्ली की सरकार शराब पहुंचाने का काम कर रही है, बच्चों को बिगाड़ने का काम कर रही है। दिल्ली की जनता ये सब देख रही है कि एक तरफ भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो कहते थे कि हम लड़ाई लड़ेंगे, भ्रष्टाचार का समापन करेंगे, आज दिल्ली के अंदर उनकी सरकार में भ्रष्टाचार पूरी तरह से जम चुका है। इसका जो है जो सबसे बड़े ठग हैं सुकेश जैसे ठग जो जेल में बंद है, उनको भी ठगने का काम कर रहे हैं, तो ये उस ठग से भी बड़ी जो कितने बड़े ठग को ठग सकते हैं, वो दिल्ली की जनता को ठगने का काम कर रही है। इसलिए दिल्ली की जनता ने इस बार तय किया है कि वो इन ठगों के चक्कर में नहीं आने वाले, फिर से यहाँ MCD में भाजपा की सरकार बनने वाली है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।